कांग्रेस वाले बहुत गंदे काम पे आ गए, कांग्रेस वाले बहुत गंदे काम पे आ गए, कांग्रेस वाले बहुत गंदे काम पे आ गए। ये मैं समझता हूँ सबसे गंदा काम आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं, ये यूपी बिहार में तो होता था कि पत्थरबाजी आती क्या में जैसे आदमी कराया करते थे। ये जो जयप्रकाश कर रहा है बहुत गंदा काम है, ये जो जयप्रकाश कर रहा है बहुत गंदा काम है। हम चाहते हैं कि ताऊ देवीलाल तो अमर रहे, वो चले गए, दूसरा देवीलाल हमारे बीच में आ गया है। आपने देखा होगा कुंडू साहब सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ और जिसमें बाइकों का काफिला था बहुत बड़ा, गांव बीच पड़ी ने आज दिल गदगद कर दिया है। कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, रणजीत चौटाला जी बड़े अच्छे वोटर जीते, कुलदीप बसनोई जी, बाबा बसनोई जी ने इतना जोर ला रखा, खूब रणजीत चौटाला जी ने खूब मतलब क्लियर सीट है तो विशाल। तो इस वक्त हम रणजीत सिंह चौटाला के बड़े कार्यक्रम जो सरसोद बिचपड़ी में बूथों के कार्यक्रम चले हुए हैं उसमें यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ स्वयं रणजीत चौटाला जी मौजूद। सर, बूथों के कार्यक्रम तक पहुँच गए हैं, प्रचार में कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया, हमारा तो सब काम इलेक्शन का कंप्लीट कर लिया, सब सभाएं होगी और अब एक बड़ी सभा होने बाकी है, बाकी बूथ तक हम सब जा रहे हैं। आज सारे हरियाणा में हर जगह किस बूथ पे हमारा लोग कैसे करेंगे, बूथ मैनेजमेंट कैसे रहेगा, हमारे वो जो पांच आदमी बूथ के हैं वो कैसे करेंगे। ये आज बीजपड़ी गांव में दो बूथ है मेरे जिम्मे लगे, यहाँ आया हूँ। सर, 44-45 बूथ पर जो कार्यक्रम रहा कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला? बहुत बढ़िया, आपने देखा ना पूरा गांव खड़ा था, कोई आदमी औरत गांव में नहीं रहे, सब के सब बाहर आके खड़े थे, हर आदमी चाह रहा है कि वोट डालें फटाफट, अब ये टाइम से होगा 25 को हो जाएगा जी। युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं सर, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ मानते हैं और युवाओं को क्या मैसेज देना? हमारा मैसेज था कोई 1000 बच्चों का प्रोग्राम था, वो आज आ रहे हैं उसमें जाएंगे और वो खूब जज के पार्टी के लिए काम करेंगे। अच्छा है कि हमारी कभी युवा कर रहे हैं, कभी महिलाएं कर रही हैं, कभी बैकवर्ड मोर्चा लगाए, तो ऐसे जितने लोग हैं सब अपने अपने कार्यक्रम में लगेंगे ताकि इलेक्शन तक माहौल बड़ा तेज़ी से उठता रहे। सर, एक तरफ आप जो है राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी निजी मुद्दों तक और निजी टिप्पणियों तक आ चुके हैं। कांग्रेस वाले बहुत गंदे काम पे आ गए, ये मैं समझता हूँ सबसे गंदा काम आज तक हरियाणा में ऐसा नहीं, ये यूपी बिहार में तो होता था कि पत्थरबाजी आती क्या में जैसे आदमी कराया करते थे। ये जो जयप्रकाश कर रहा है बहुत गंदा काम है, लोग पसंद नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ रणजीत सिंह चौटाला और आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर जोरदार स्वागत हर गांव में चाय के प्रोग्राम आपके सामने देख सकते हैं और इसके बाद एक युवा सम्मेलन हिसार में होने जा रहा है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर स्वागत के लिए उमड़ चुके हैं और इस प्रकार से एक छोटा निजी प्रोग्राम चाय का प्रोग्राम आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर हो रहा है और रणजीत सिंह चौटाला के साथ साथ यहाँ पर उनके कार्यकर्ता और बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाइव तस्वीरें यहाँ से देख पा रहे हैं, हमारे साथ जो साथी उनसे बात कर ले। सर, कैसा उत्साह आप लोगों में? ऐसा है कुंडू साहब, हम कम से कम भी 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे और चौधरी साहब का लगातार हजूम बढ़ता जा रहा है और चौधरी साहब एक निस्वार्थ और पूरी जनता की सेवा करते हैं और काबिल आदमी हैं, इंसानियत की इनमें झलक दिखती है और पूर्व उप प्रधानमंत्री के बेटे हैं। और दूसरी, हम चाहते हैं कि ताऊ देवीलाल तो अमर रहे, वो चले गए, दूसरा देवीलाल हमारे बीच में आ गया है और पूरे लोगों का अजूम बरवाड़ा, उकलाना, उचाना, नरवाना, भवानीखेड़ा, आपका आदमपुर, हिसार, हांसी, नड़वा, सब जगह पक्की लीड लेके चल रहे हैं और जबरदस्त जीत होगी, कम से कम भी 2.5 लाख प्लस। आपने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला में चौधरी देवीलाल की छवि देखी जा रही है, उधर से दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि वो देवीलाल के ऋषभ रूप। ऐसा है, देखो उम्र का पड़ाव होता है, देवीलाल के बाद चौधरी रणजीत सिंह है, ये तो पोते हैं ना, तो पोते तो बाद में अपना दावा करेंगे, तो पहले तो चौधरी रणजीत सिंह है, हम चौधरी रणजीत सिंह के साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह की कम से कम भी 2.5 लाख प्लस जीत होगी और यही हमारा जी। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ पर एक एक कार्यक्रम यहाँ पर लोगों के उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है, लगातार बहुत बड़े कार्यक्रम आज सरसोद बिचपड़ी के जो बूथ नंबर 44-45 है वहाँ पर और गांव के लोगों के जलपान के कार्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला का स्वागत करने के लिए लोग उमड़े हुए हैं। जिस प्रकार से हमने रणजीत सिंह चौटाला से बात की और उन्होंने कहा कि चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, सब के सब चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ हैं और एक बहुत बड़ी जीत का मार्जिन वो अपने आप में कह रहे हैं कि लेकर के चल रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, पहले जिस प्रकार के विरोध की बातें हो रही थी उन पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और आज फिर वही
गांव दर गांव उनके स्वागत के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सरसोद बिचपड़ी हल्का बरवाड़ा के 44-45 बूथ के कार्यक्रम देखे, और उसके बाद एक एक जो चाहे के कार्यक्रम है वो यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला के हैं। समर्थकों में काफ़ी उत्साह उनको लेकर गए हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं चारों तरफ कि किस प्रकार से उनके जो सहयोगी है, समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं और हर घर में चाय के प्रोग्राम यहाँ पर रखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सरसोद बिचपड़ी के 44-45 बूथ नंबर की जो यहाँ पर हैं। सर, आपके गांव में प्रोग्राम हुआ, कैसा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आया जी। किन का प्रोग्राम था? रणजीत चौटाला जी का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कैसा मानते हैं आपके गाँव सरसोद बिचपड़ी जेवरा जो यहाँ से कितने मतों से आगे रहेंगे? यहाँ से एक तरफा मोल है सारा गाँव में, रणजीत चौटाला जी का एक तरफा मोल है बिचपड़ी गांव में, पूरा बिचपड़ी में। अब एक तरफा बरवाड़ा की बात करें, बरवाड़ा कभी अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया रहेगा। कितने वोटों से जीता के निकालो? खूब वोट, अच्छे वोट जीतेंगे, खूब बढ़िया जीतेंगे जी। तो कांग्रेस वाले करे हमारा ज्यादा, कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस तो डोन है, बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। हाँ, रणजीत चौटाला जी बड़े अच्छे वोटर जीते, कुलदीप बसनोई जी, बाबा बसनोई जी ने इतना जोर ला रखा, खूब रणजीत चौटाला जी ने खूबे, मतलब क्लियर सीट है। तो विशाल तो रणजीत चौटाला जी की धन्यवाद। धीर सिंह धीरू जी हमारे साथ है। सर, किस प्रकार के कार्यक्रम रहे भाई? आज तो आपने देखा होगा कुंडू साहब, सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, और जिसमें बाइकों का काफिला था बहुत बड़ा, गांव बिचपड़ी ने आज दिल गदगद कर दिया है। तो जो विरोध की बातें आ रही थी वो क्या थी? अरे, ये जो इतने ट्रैक्टरों वाले आ रहे थे, क्या ये किसान नहीं है? विरोध नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, आपने देखा भी होगा। तो वो तो कोई ना कोई प्लानिंग के तहत, ये चीज़ जो विरोध हो रहा है ना, वो प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। तो बरवाड़ा में आपने भी पहले भी मेहनत की, आप भी कर रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं जीत का? तो बरवाड़ा विधानसभा से मैं मानता हूँ जो पिछली बार जीत हुई थी उससे कहीं ज़्यादा होने वाली है जी। ये थे हमारे साथ यहाँ बीजेपी के नेता रणधीर सिंह धीरू, जिन्होंने कहा कि बरवाड़ा हल्के से भी रणजीत सिंह चौधरी की जीत होगी और पहले से ज़्यादा मतों से होगी। ये इनके दावों में कितनी सच्चाई है वो तो बिल्कुल 4 जून को मतगणना के दिन पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल आप जो काफिला देख रहे हैं और लोगों के जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला के चुनाव प्रचार को लेकर जो विरोध की बातें आ रही थी वो तमाम मिथ्या बातें थी, और आज उनके सहयोग में, उनके समर्थन में लोगों का जनसमूह उमड़ा हुआ है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रविपथ, बरवाड़ा।